छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि उन्होंने 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में काम संभाला था। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछला 2 साल कोविड की चुनौतियों का हम सब ने डटकर सामना किया और लोगों की सहायता के लिए हाथ भी बढ़ाया। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पद का लोभ नहीं है, मैं पद में रहूं या ना रहूं, इसी जुनून से मानवता की सेवा करती रहूंगी। हमारी भी कुछ इच्छा थी और हम देखना चाहते थे मैडम ने आप लोगों की सबकी मन में भावना थी। जब ये राष्ट्रपति का नाम चला था तो सब लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी। आप बात बताइए, ये राष्ट्रपति जैसे पद के लिए कभी कोई कल्पना कर सकता है कि इतना बड़ा सर्वोत्तम पद में पहुंचने के लिए? मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि शायद मैं राज्यपाल के रूप में बन सकूंगी। ये इतना साधारण नहीं होता ये पद, और न ही मैंने इसके बारे में लोग जब मुझसे कहते थे न इसकी कोई कल्पना की जा सकती है न सपना देखा जा सकता है। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ होता है और यही व्यक्ति की सारी जानकारियां उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाती है। और मुझे खुशी है कि इन 3 वर्षों में मैंने जो कुछ भी कर पाया, लोगों जो मुझसे मिलने के लिए एक उम्मीद और एक अपेक्षा लेकर आते थे, और मेरी कोशिश रही कि उसका कुछ हद तक मैंने समाधान किया।